की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईटी की कार्रवाई को लेकर अमरजीत का बयान भी यहां पर सामने आ चुका है। पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ यहां पर टेरर पैदा किए जा रहे हैं, तो आईटी को भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित। हम लोगों ने मदद किया है, हम लोगों की ये स्वभाव में है और राजनीति में है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के ऊपर सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। और अगर आपको नागवार गुजरेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आईटी और ईडी भेजने से अच्छा है कि हम लोगों को गोली मरवा दिया जाए। एक आखिरी सवाल, आपने ये कहा कि जो रायपुर और अंबिकापुर से कैश जब्त हुए हैं, जिसको लगातार आईटी बता रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोर्ट भी जाने की नौबत आएगी? मैंने तो शुरू में ही कहा था कि ये मेरे खाता से आहरित राशि है, मेरे और मेरी पत्नी के इमरजेंसी के लिए। अभी कोई बीमार पड़ गया, घर में डिलीवरी केस है, आज अगर जरूरत पड़ जाए। मांगना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है राशि। जो था वो ले गए, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आईटी ने 5 दिनों तक इस तरीके से पूछताछ की है, और निश्चित तौर पर ये अपने आप में, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से स्थिति बनाई थी, उस स्थिति को देखने के बाद देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के आग भी छलक पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है, 5 दिनों तक चली है। जिस तरीके से अपने आप को रिलैक्स मूड में लाने के लिए लगातार योगा करते थे, तरह तरह के जो व्यायाम है वो करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में ये कार्रवाई को लेकर वो दबावपूर्ण कार्रवाई कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसको लेकर के आयकर विभाग के जो अधिकारी पहुंचे थे, वो निश्चित तौर पर 5 दिनों तक प्रताड़ित किए हैं, ये साफ तौर पर उनका कहना है। और निश्चित तौर पर आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। योगेश राव सर, बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बिल्कुल, तो टिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। टिकेश, वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से अब आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर आंसू भी उनके आ जाते हैं। एक तरफ जहां पर रिलैक्स मूड में नजर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आईटी जिस तरह से उन्हें रडार पर ले रही है, अब आगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आईटी की कार्रवाई को लेकर अब जो है मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अमरजीत भगत की मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, ये आरोप लगाया गया है। आईटी की टीम ने जो है वो तांडव किया है, अब ऐसा कहा जा रहा है अमरजीत भगत की ओर से। तो इनकम टैक्स लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, ये कहा है अमरजीत भगत ने। तो देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ लगातार दिग्गजों पर कार्रवाई कर रही है, उनके करीबियों पर भी कार्रवाई की, और अब जो है उनका दर्द साफ तौर पर देखा गया, जब उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से अब वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं।